ठीक है, आज ना मैं मम्मी के साथ शॉपिंग जा रही हूँ. नॉट लाइक दैट कि चलो बहुत बड़ा मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है. वो नहीं होती वेनसडे थर्सडे फ्राइडे वाली जो मार्केट होती है, मैं वहां जा रही हूँ. मैं खुद मतलब अब दिवाली का टाइम चल रहा है, तो चल नहीं रहा, दिवाली आने वाली है, मतलब अभी चलेगा. तो आई थॉट कि चलो कुछ देख के आते हैं मार्केट में क्या कुछ नया है. और मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि क्या कुछ नया है और मैंने क्या पहना है, वो भी देख लो. मैंने पहना है लाइक झोला वोला लाइक दैट, ठीक है. ये मेरी पैंट, ये चलो आप चलते हैं. और सुनो सुनो, अगर पापा आए तो ये बोलना हम घर का सामान लेने हैं, शॉपिंग नहीं गए. चलो फिर. मार्केट में एंट्री लेने के बाद सबसे पहले तवा, भगोना, चिमटा, पोनी सब कुछ अवेलेबल था, जो चाहिए वो ले लो. उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ना यहाँ पे काफी सारे सूट थे जो आजकल चल रहे हैं ना वैरायटीज के, मतलब जो नई नए डिजाइन के अलग अलग वैरायटीज के जो सूट चल रहे हैं वो सारे अवेलेबल थे. और यहाँ पे उनकी पैंट्स भी अवेलेबल थी, लाइक पजामी थी, पैंट थी, प्लाजो थे. तो वही सब मम्मा चेक कर रही है कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, और कपड़ा भी अच्छे से चेक कर रही है. तो यार काफी सारे सूट थे जो नए नए डिजाइन के, और काफी सारा कलर कॉम्बिनेशन था उनके पास. मतलब सारे ऐसा लग रहा था दुनिया भर का सतरंगी कलर इनके पास अवेलेबल है. फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ बैग वगैरह थे जो होते ना, मतलब ये 150 के बैग थे. इसमें पिट्ठू बैग भी अवेलेबल था, लैपटॉप बैग भी था, तो इसमें से हम ले सकते थे जो भी चाहिए. और काफी सारे इसमें भी कलर ऑप्शन थे. मतलब ये ज्यादा अच्छी चीज है यहाँ पे कि इनके पास ना कलर बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा. क्योंकि किसी को काला, नीला, हरा, गुलाबी जो भी पसंद होता है ना, तो सारे कलर थे. और यहाँ पे यार मुझे 150 बहुत सही दाम लगा, जो इनका 150 का दाम था तो काफी ज्यादा सही था. और ये ना जैसे ऑफिसेज वगैरह में जो पर्स होते हैं वो बहुत काम आ जाते हैं. यहाँ पे छोटे बच्चे की ना इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, वो प्यारी प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़कियां होती है ना वो पहनती हैं, बहुत क्यूट लगती है. और ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी. और यहाँ पे बहुत सारी वॉच थी जो अवेलेबल थी, जो आपकी वॉल की वॉच होती है जो आप दीवारों पर लगाते हैं वो वाली भी थी, मोर वाली वॉच भी थी, तो काफी सही लग रही थी. फिर आगे ना बहुत सारे नेल पेंट अवेलेबल थे, और यार बहुत ही सारी वेरायटी थी नेल पेंट की, क्लैचर की, और जो छोटी छोटी एक्सेसरीज वगैरह होती है, मंगल का सूत्र वो भी अवेलेबल था. तो जो भी लोगों को अच्छा लगता है मतलब वो लेते हैं. और काफी ज्यादा वैरायटीज थी इनके पास. और वो क्यूट से हेयरबैंड्स नहीं होते जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़के लगाते हैं जो आजकल ट्रेंड में भी बहुत चलते हैं, वो सारे हेयरबैंड भी अवेलेबल थे. तो उनके ना बहुत सारे कलर भी थे कि कोई सा भी आप कलर ले सकते हो जो आपको पसंद हो, तो कलर का तो कोई डाउट नहीं रहता. फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद ना बहुत ही सारा नेल पेंट का कलेक्शन था, और लाली पाउडर सारी चीजें अवेलेबल थी यहाँ पे, और मतलब बहुत ज्यादा सही लग रहे थे. और फिर थोड़ा आगे जाके ना मैक्सी ड्रेसेस थी जो आजकल लड़कियां पहनती है ना, काफी ज्यादा लंबी लंबी जो लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं, और काफी सही लग रही थी. ये 350 की रेंज में थी. अगर मुझे जैसे जैसे जिसका पैसा याद रहेगा मैं आपको बताती रहूंगी. और आंटी तो पूरी लेडी भीम हो रही है. और फिर ये मैक्सी ड्रेसेस ना काफी ज्यादा लॉन्ग थी और बहुत ज्यादा सही लग रही थी. नीचे ब्रा वगैरह भी अवेलेबल थी, तो ये शायद 100 रुपए की 3 ब्रा थी. यहाँ पे बहुत सारे टॉप अवेलेबल थे जो आजकल ट्रेंड में चलते हैं ना, काफी लोग पहने हुए आपने देखे होंगे रील्स वगैरह पे जो इंस्टाग्राम पे जो होता है. और यार ये ना बड़े सही लग रहे थे, ट्रेंडी से और बहुत ज्यादा मस्त लग रहे थे. और सर्दियों का भी कलेक्शन आ गया, तो जो सर्दियों वाले सूट्स नहीं होते जो सर्दियों में पहनते हैं वो वाले सूट्स वगैरह भी थे. और यहाँ पे ना नकली फ्लावर भी थे, और यार बहुत प्रिटी लग रहे थे, हर कलर के यहाँ पे फ्लावर थे. और यार दिवाली का टाइम चल रहा है तो दिवाली की चीजें तो ऑब्वियस हैं, बहुत सारी मिलेंगी. तो यहाँ पे शुभ दीपावली वगैरह जो होती हैं, जो मतलब पूरा डेकोरेटिव आइटम होता है, वो सारा आइटम यहाँ पे मिल रहा था. और आंटी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है, वो फ्लावर लेती हूँ. और यहाँ पे ना ये शुभ दीपावली का एक उठा के देखा था, मतलब जो वॉल पे लगाते हैं, आई थिंक वॉल मतलब घर की जो चौखट होते हैं आई थिंक उस पे लगाया जाता है. यार ये बहुत प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर. ये 150 रुपये का था. और ना यहाँ पे ये तोरण बोलते हैं इन्हें, जो यहाँ पे साइडों में जो दरवाजे के साइडों में लगाई जाती हैं, ये भी मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी. और ये 100 रुपीज़ का था, ये भी इस पर ना शुभ दीपावली लिखा हुआ था. और यार ऐसी डेकोरेटिव आइटम तो मतलब बहुत ही प्रिटी लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है. और यहाँ पे ना बहुत सारे कान्हा जी के कपड़े मिल रहे थे. और यार कान्हा जी के कपड़े ना मतलब इतने प्यारे होते हैं, इतने क्यूट लगते हैं ना बहुत ज़्यादा. और यहाँ पे कान्हा जी के भी अलग अलग साइजेस होते हैं, तो सारे साइजेस के कपड़े यहाँ पे अवेलेबल थे और बहुत सुंदर लग रहे थे. और कलर तो यहाँ पे ना मतलब पूरा भरपूर है कलर, तो आप ना जोन सा आपको पसंद होगा आप वो ले सकते हो, तो कलर का तो कोई डाउट ही नहीं रहता. और यार हमसे ज़्यादा प्यारी तो कान्हा जी की ड्रेसेस आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी.
मार्केट में थोड़ा आगे जाने के बाद ना यहाँ पे ना बहुत सारे बैंगल्स मिल रहे थे, और बैंगल्स तो यार हर साइज के थे और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे, और आपके ना हर ड्रेस के साथ जाने वाले बैंगल्स हैं। और जो न्यूरी मैरिड होती हैं वो जो चूड़ा पहनती हैं वो चूड़ा भी यहाँ पे अवेलेबल था, और मतलब थोड़े बहुत जो कड़े पहनती हैं दो पेयर वाले जो कड़े होते हैं वो पेयर भी अवेलेबल थे। और यार ये 150 के सारे मिल रहे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। और एयरिंग्स तो आजकल बस पूछो ही मत यार, इतने खूबसूरत चल चुके हैं ना, हद से ज़्यादा हर ड्रेस के साथ एयरिंग्स जाते हैं। और सिल्वर ज्वेल का तो ना आजकल ट्रेंड बन चुका है, और सिल्वर ज्वेलरी में ना हर तरह की वैरायटी मिलती है, हर तरह की। और यार ये इतने प्रिटी लग रहे थे ना, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यार इनका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना यार बेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है और बहुत सुंदर लगते हैं। और सिल्वर ज्वेलरी में भी ना हर तरह का आपको कलेक्शन मिल जाता है, हर तरह का। तो मैं ना यहीं पर बहुत ज़्यादा चेक कर रही हूँ यार कैसे हैं कैसे नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनको देखना। और मतलब मुझे ना इयररिंग से एक अलग सा ही प्यार हो चुका है ना, इतनी प्यारी वैरायटी मिलने लगी है ना बहुत ज्यादा। और 130-130 रुपए से लेके 150 रुपए तक बड़ा सही मिल जाता है। और यहाँ पे ना पूरे के पूरे ना आपको प्लाजो और सूट डायरेक्ट मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा था यहाँ पे, ये 350 का मिल रहा था। और यार ना अंकल मुझे खोल के भी दिखा रहे थे कि आप ये वाला भी देख सकते हो, वो वाला भी देख सकते हो। तो अंकल ना काफी ज्यादा क्यूट थे और हेल्पफुल भी थे। तो मुझे ना वैसे आइडियली तो मुझे चीजें पसंद आती नहीं है, बट फिर भी मुझे ये काफी ज्यादा सही लग रहा था। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने कुछ प्लाजोज वगैरह चेक करे थे, और ये प्लाजो थे 150 के। और यहाँ पे भी ना हर वैरायटी का प्लाजो मिल रहा था। पहले ना इतनी वैरायटी नहीं होती थी चीज़ों में, लेकिन आजकल ना इतनी ज़्यादा वैरायटी हो चुकी है ना चीज़ों में कि अगर आपको एक चीज़ पसंद नहीं आ रही ना तो आप दूसरी चीज़ ना तुरंत आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है मार्केट में। और यहाँ पे ना मैं प्लाजो की पूरी लेंथ वगैरह चेक करी थी, तो लेंथ एकदम फुल थी। और आगे चलने के बाद ना फिर से बैंगल दिखे, और यार ये ना रजवाड़ो वाले बैंगल्स होते हैं, और ये बैंगल्स का पेयर था पूरा का पूरा 150 का, और ये बहुत सही लग रहे थे। बैंगल्स तो ना सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे जो अनमैरिड होती हैं, जो नॉर्मल प्लेन चूड़ियाँ पहनती हैं लड़कियाँ, वो वाली चूड़ियाँ भी अवेलेबल थी और बहुत सही लग रही थी। और ना मम्मा ना चेक कर रही हैं कि साइजेस वगैरह सारे सही हैं और दिखने में कैसी हैं, और दिखने में तो यार ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पे और भी सारी फीमेल्स थी जो ले रही थी, अपना साइज़ वगैरह चेक कर रही थी, और मतलब अपनी अपनी पसंद के जितने भी बैंगल्स थे वो सारे बैंगल्स वगैरह ले रही थी। और मार्केट में जाओ ना यार, मतलब औरतों का इतना भीड़ लगा होता है ना, हद से ज़्यादा पूरा बाज़ार औरतें ही चला रही होती हैं। और यार इतने प्यारे इतने प्रिटी बैंगल्स थे ना बहुत ज़्यादा, और इनमें ना कलर भी बहुत सारे अवेलेबल थे, बहुत सारे कलर ऑप्शंस वगैरह आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे कि आपकी ड्रेस के साथ जो जाना चाहेगा वो सारे ड्रेस पे आप अच्छे से जा सकता है। और यहाँ पे चूड़ा भी अवेलेबल था। और थोड़ा आगे जाने के बाद ना पूरे क्लैचर वगैरह, ये सारे क्लैचर की जो वेराइटीज़ थी पूरी की पूरी, आजकल मतलब क्लैचर में भी बहुत वेराइटी होने लगी है। और यहाँ पर ना ये नकली जूड़ा भी मिल रहा था कि जूड़े वगैरह बनाने के बाद जो एक्सराइज करते हैं अपने जूड़े को, उसे अच्छा सा इन्हेंस करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, जो नकली गजरा आता है ना वो वाला गजरा मिल रहा था। और यार ये बहुत सही लग रहा था, मतलब आजकल तो ये है कि जो अच्छे से जूड़ा बनाओ और ये नकली गजरा अपने सर पे टिका लो और बहुत सही लगेगा। और वहीं पे ना उसके बराबर में ना ये नकली जूड़ा भी मिल रहा था। और सारे के सारे जो फीमेल्स कलर वगैरह करा लेती हैं ना अपने बालों पे, वो वाले कलर वाले भी जूड़े अवेलेबल थे। तो आजकल कलर का भी कोई डाउट नहीं है, कोई सा भी कलर कराओ और कलर वाला जूड़ा ले लो, ये भी बहुत ज़्यादा सही है। और ना यहाँ पे जो आपकी जो साड़ी वगैरह होती है उसमें जो ब्रॉच वगैरह लगता है यार, वो सारे ब्रॉच थे और बहुत सही लग रहे थे। और मतलब आजकल मजा ही है बस मार्केट में जाने के बाद। यहाँ पे ना चप्पल वगैरह मिल रही थी, और ये ना 200 रुपए की चप्पल थी, और दिखने में ना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा 100-200 रुपए की ली है, और काफी ज्यादा सही लगती है। और उनका सोल भी ना काफी ज्यादा सही था, मतलब अच्छा खासा जमीन पर अगर टिकेगा तो काफी टाइम चल जाएगा, तो ऐसा कोई ऐसा भी नहीं था कि पैर वगैरह में दर्द हो जाएगा। और मार्केट में देखो यार कितनी ज्यादा भीड़ है, और यहाँ पे मार्केट में ना पेरेंट्स के साथ जाओ या मम्मा के साथ जाओ या अपनी सिस्टर वगैरह के साथ जाओ, वहाँ पे उनका खोना तो बनता ही है। इधर उधर करके उन्हें मैंने ढूंढा, और यहाँ पे ना ये पर्स मिल रहे थे, ये 100 रुपए के पर्स थे, और यार ना मतलब बड़े सही लग रहे थे। मतलब 100 रुपए वाली ना इनकी वेरायटी बिल्कुल लग नहीं रही थी कि 100 या 200 रुपए में ऐसी चीज़ें आजकल मिल रही हैं। और मतलब ड्रेस के साथ ना इन्हें पकड़ते हुए भी ना बड़ा सही लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी आपको लुक देंगे। और यहाँ पे ना ये रेड रोज़ आपके लिए, इतने प्यारे प्यारे रोजेस आपके लिए हैं, आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मतलब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ना लाइक भी कर देना। और ये रेड रोजेस मिल रहे थे यहाँ पे, ये नकली वाले, वही जो मैंने आपको जैसे पहले दिखाए थे ना कि आपको पूरा वास में डाल के ये मिलता है, और बहुत ज़्यादा सही लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और घर को ना एक अलग सी वाइब्स मिल जाती है इनसे ना। और ये भैया ना मुझसे कह रहे थे कि मैंने आपको देखा और उन्होंने मेरा चैनल भी देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ना बहुत सारे एयररिंग्स वही वाले
मेरे हैवी हैवी जो इयररिंग्स होते हैं वो वाले इयररिंग्स थे, और ये जो मैंने उठाए हैं ये 150 रुपये के इयररिंग्स हैं, और यार ये मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहे थे। मेरा लेने का मन था बट यार मैं लेके करूँगी क्या, क्योंकि इतनी भारी चीज़ें मैं नहीं पहन पाती हूँ, और मुझे ना फिर कन्फ्यूज़न हो गया मैंने इन्हें कहाँ से उठाए। तो जैसे जैसे मैंने ढूंढ ढांड के इनको वैसे ही वापस रख दिया, और फिर मैंने अच्छे से चेक करे, और इसमें ना यार एक मोर वाले इयररिंग्स थे जो कि इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनका ना वाइट कलर का कोई कॉम्बी, मतलब इसमें ना कोई वाइट कलर था, और ना ड्रेस के साथ ना इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा ना, और ये लग भी नहीं रहा मतलब कि 150 या 100 रुपये का है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो ना पहन के भी ना एक अलग सी लुक आ जाती है। यहाँ पे भी ना बहुत सारे ट्रेंडी टॉप अवेलेबल थे, और ये 100 रुपये में मिल रहे थे, और इसके अंदर ना मतलब छांटना पड़ता है, कुछ टी शर्ट्स वगैरह भी थी और टॉप भी थे, और यार बहुत प्रिटी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो ना मैं मम्मा को वही बोल रही हूँ कि आप ना एक बार निकाल के दिखाओ कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। तो मम्मी ने ना मुझे काफ़ी सारे टॉप निकाल के दिखाए थे, और ना बहुत सही लग रहे थे। यहाँ से तो मैंने एक पिक भी करा था जो कि मुझे बहुत सही लगा था, और यार ये जो वाइट वाला ना ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, और मतलब ऐसे पहनेंगे ना तो मतलब 100-200 वाला ना लुक देते नहीं है कि हमने 100 रुपये का लिया है या 200 रुपये का लिया है, तो मतलब ये बात ना इनकी काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात होती है ना जो कलर होता है, आपको कोई सा भी आपको कलर पसंद है ना, वो कलर ना बहुत ज़्यादा इजीली ना आपको ना मिल जाता, और ये वाइट कलर का तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये ना आपको टॉप में भी आ जाता है, और आपका जो शॉर्ट कुर्ती होती है उसमें भी आ जाता है, और यहाँ पे ना एक क्रॉप टॉप भी था बेबी पिंक कलर का, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ना मैंने फिर सूट देखे थे, तो ये वही वाले सूट है जो आपको सूट भी मिलेगा प्लाजो भी मिलेगा। यहाँ पे ना इनका ना थोड़ा आगे पीछे आप अगर शॉप पे चेक करोगे तो रेट वगैरह चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे वो 350 के दे रहे थे तो वहाँ पर इनके 100 रुपये ज़्यादा बढ़ गए, ये 450 के दे रहे थे। लेकिन अब मुझे ना इनका कपड़ा थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा ना मतलब वो होता ना मैशी सा, बहुत ज़्यादा मैशी लग रहा था। उसके बाद मैंने ना गले का भी नेकलेस ट्राई करा था, मैं देख रही थी, और इतने सारे नेकलेस की वेराइटी थी ना, ये जो नेकलेस हैं ये सारे के सारे 100 रुपये के थे, और मतलब इसमें भी ना इतनी वेराइटी मिल गई, इतनी वेराइटी मिल गई, बहुत ज़्यादा सारी महिलाएं ना अच्छे से मतलब पूरा छांट रही हैं कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, पूरा का पूरा अच्छे से। और मैंने भी ना एक आध उठा के देखा, मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश करी कि मतलब 100 रुपये में भी ना आपको कितनी प्यारी चीज़ें मिल सकती हैं। इट डजेंट मैटर कि आप हमेशा बड़ी ही चीज़ बड़ी ही दुकानों से या बड़ी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लो, अगर आपको कम टाइम चलानी है तो ना अगर सस्ते में आपका काम बन रहा है तो ना वो काम अच्छे से बना लो, बस मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर भी ना काफ़ी सारे टॉप और टी शर्ट थी, तो वो ना छांटना पड़ता है आपको टॉप चाहिए या टी शर्ट चाहिए। और यहाँ पे ना टाइगर प्रिंट्स वाली और प्रिंट वाली ना बहुत सारी दिख रही थी, तो जो भी प्रिंट चीज़ें लोगों को पसंद है और या टू शेड की जो चीज़ें पसंद है तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ईजिली मिल रही थी। और ये शायद सिर्फ 100 रुपीज़ की थी, मुझे मे बी याद नहीं आ रहा है, पर शायद 100 या 150 के बीच का इनका कुछ पैसे थे, और ना मतलब इतनी सही लग रही थी ना यार ये टाइगर प्रिंट तो आजकल ना बड़ा सही लगता है, और बहुत ज़्यादा आप पहन लो ना मतलब अलग से ही आप में लुक आ जाता है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो। यहाँ पे ना यार इतने प्यारे इतने ज़्यादा सुंदर नेकलेस मिल रहे थे, और मैंने सोचा भी नहीं था ये इतने सस्ते होंगे, और ये 100 रुपये से लेके ना 500 रुपये के बीच में थे, और यार इतने सही लग रहे थे ना, मतलब इतने हैवी थे। जो आजकल है ना मतलब इसमें जो आजकल चलते हैं गले में पहनने का भी है, कान में पहनने का भी है, और आपका जो साइड में जो मांग टीका लगाते हैं ना जो साइड में, मतलब वो भी मिल रहा है, और यार इतने प्रिटी, मतलब मेरा ना इन पर इतना दिल आ गया, इतने ज़्यादा सुंदर इतने ज़्यादा खूबसूरत। तो मतलब मेरा ना ऐसा होता है यार इन्हें देखती रहूँ, और मेरा दिल होता है सारे के सारे खरीद लूँ, मतलब इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और मैंने ना सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगी ना वो मुझे इनकी रेंज लगी, रेंज मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी सस्ती इनकी रेंज होगी, और अगर आपको चाहिए और आपको पार्टी में शो करना है वाह हमने तो बड़ा हैवी सा ऐसा कुछ पहना है तो यहाँ से ले सकते हैं यार, बहुत सही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर। और दूसरा कलर तो आपको ना सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और उसके बाद ना यहाँ पर जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती है ना वो सारी आर्टिफिशियल चल रही थी, और मतलब सारी की सारी जो आप घर में डेकोर कर सकते हो अच्छे से, घर को सुंदर बना सकते हो अच्छे से, इनहेंस कर सकते हो, और छोटे छोटे गणपति जी मतलब गणेश जी लक्ष्मी जी वो सारी चीज़ें भी मिल रही थी, और शुभ दीपावली और जो लक्ष्मी जी के पैर लगाते हैं ना दिवाली के टाइम पे वो सारी चीज़ें मिल रही थी, और बहुत ही ज़्यादा सही लग रही थी, और रेंज भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो प्लीज़ मैं दोबारा कह रही हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, मैं आ गई हूँ घर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा मैं बताऊँ, मैं मजार में अपनी मम्मी को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ, क्योंकि वो बार बार गायब हो जा रही थी। और यार आज ना पता है मैं मार्केट गई थी तो मुझे ना मतलब
इतनी बड़ी फैमिली बनाई है यूट्यूब पे, उस फैमिली में से एक मेंबर मिला था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी लाइफ का ना पहली बार ये मेरा एक्सपीरियंस था, और जैसे उन्होंने बोला ना कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, और मतलब जैसे वो बात कर रहे हैं इट्स वेरी नाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग जैसे सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, आई लव यू सो मच, बाय।